जैसे ही ये हम लोग मीटिंग बैठ रहा है बोल के उन लोगों को खबर मिला, इन लोगों ने फाइल एन FIR अगेंस्ट अस। थैंक यू वेरी मच मीडिया फ्रेंड्स फॉर कमिंग इन ए वेरी वेरी शॉर्ट नोटिस। और आज का जो हम लोग का ये प्रेस ब्रीफिंग जो है, एंड दिस इज़ एक्चुअली वी आर नॉट आंसरिंग एनीवन। हम लोग एक कंसर्न के साथ में यहाँ बैठा हुआ है आज, एंड आई एम दाई गुंगटे और इज नावम कातुंग। ये बहुत सीनियर फिल्म मेकर्स बिंदिया एटे मैडम, देन वी हैव ऑल द एक्टर्स आउट देयर। सभी का इंट्रोडक्शन देते देते इट विल टेक सो मच टाइम, लेकिन प्रेस अपना बात रखने से पहले आई वुड लाइक टू टेल द पीपल ऑफ अरुणाचल और जितने भी हमारे स्पेशली दिस प्रेस जो ब्रीफिंग है, दिस इज़ ओनली टू गिव अ मैसेज टू आर फिल्म मेकर्स इन द स्टेट एंड फॉर द पीपल हु लव फिल्म्स। उन लोगों के लिए भी है जो जिसको कंसर्न है हमारा स्टेट में फिल्म इंडस्ट्री का ग्रोथ के लिए। तो इसीलिए सबसे पहला बात यह है कि पीपल माइट थिंक दैट अनदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हैज़ कम, कि जहाँ पे फैक्शनबाजी हो रहा है, सोसाइटी NGOs यूनियंस ऑर्गेनाइजर्स के बीच में फाइटिंग चल रहा है और पीपल आर फेड अप ऑफ दैट। तो इसीलिए आप ये ना समझे कि दिस इज़ अबाउट फैक्शनबाजी इन ए ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिस्ट ऑफ आर्टिस्टिक पीपल, फिल्म मेकर्स, सिनेमाटोग्राफर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, डायरेक्टर्स, जितने भी आर्टिस्ट हैं उन लोगों का एक एसोसिएशन में ये सारा चीज़ हर कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है। तो दैट्स वाई मैं शुरू से आप लोगों को समझाता हूँ व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाई वी आर हियर। तो बात शुरू हुआ था 9 अगस्त 2022 में देयर वाज ए सर्कुलर और ए मीटिंग नोटिस फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म फेडरेशन अरुणाचल, ये वाला। इसमें तो इसमें उन्होंने लिखा है कि there will be an executive body meeting to discuss some urgent matters of FFA. So all the executive members are requested, बोल के उन्होंने एक सर्कुलर दिया और उसके बाद देन दे सेट, तो उन लोग बैठा 12 तारीख को मीटिंग में और उस एजेंडा में ये मीटिंग का एजेंडा वॉज नथिंग, इट वॉज नॉर्मल मीटिंग जहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी जो प्रीवियस एग्जीक्यूटिव बॉडी उन लोग ने बैठा, तो उसमें एजेंडा में कुछ नहीं है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ एनी इलेक्शन, एनी सिलेक्शन, नथिंग, दिस इज़ ए नॉर्मल मीटिंग। तो आप देख रहे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, स्पीच फ्रॉम एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, पासिंग ऑफ मीटिंग रेजोल्यूशन, बोथ ऑफ थिंग्स, ओनली दैट मच। बट सरप्राइजिंगली व्हाट हैपेंड ऑन 12 शाम को एक माइनस ऑफ मीटिंग सर्कुलेट करता है फ्रॉम द FFA प्रेसिडेंट। तो उसमें ऑल ऑफ सडन इट वॉज ए शॉक, हम लोग बहुत ज़्यादा वी वर सरप्राइज कि ये कैसे हो सकता है। तो माइनस ऑफ द मीटिंग में ऑल ऑफ सडन इट केम कि उन लोगों ने जो ये मीटिंग मेंशन किया, इस मीटिंग में उन लोगों ने बोला कि अपना नया प्रेसिडेंट उन लोगों ने इलेक्ट कर लिया है। तो उन लोगों ने ये बोला है कि आउट ऑफ 36 प्रोडक्शन हाउसेस ओनली 9 प्रोडक्शन हाउसेस आर इन ऑर्डर। तो दैट मीन्स एंड दे ऑल्सो हैव ए कंसर्न कि अदर 27 प्रोडक्शन हाउसेज को वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग ने सिलेक्शन कर लिया है। आई डोंट नो वाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस। इफ़ यू थिंक, इफ़ यू हैव द कंसर्न फॉर ऑल दिस 27 प्रोडक्शन हाउसेज, वाई डोंट यू कॉल देम एंड डिस्कस विद देम। अगर इसको आगे ले जाना है, अगर आपको लगता है कि दीज आर प्रॉपर प्रोडक्शन हाउसेज, दोज हु आर वर्किंग इन अरुणाचल इन फिल्म मेकिंग, अगर आपको ये लगता है, अगर आपके पास कंसर्न भी है, तो आप उनसे बात कीजिए। तो इसीलिए उसको नहीं करते हुए दिस पीपल, उन लोगों ने ये कंसर्न में जो इलॉजिकल है, उन लोगों ने बोलता है कि एक आर्टिकल कोट किया है अकॉर्डिंग टू द बायलॉ ऑफ द FFA आर्टिकल 12(1) and 2। उन्होंने ये बोलता है कि मॉडलिटीज ऑफ सिलेक्शन के अंदर में जितने भी वहाँ पे लोग प्रेजेंट थे, उन लोगों ने आर्टिकल 12 के अंदर में अपना ही एग्जीक्यूटिव बॉडी ने एक नया प्रेसिडेंट को चुना है। बट इसके ऊपर में मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है प्रेजेंट, सॉरी जो जो चला गया, जिसका डिसॉल्व हो गया था, तो उन लोगों ने, वो जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है दैट हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, क्योंकि हमारा फेडरेशन का रूल है कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द मेंबर्स द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द फेडरेशन। तो
बात यह है कि यू आर अपॉइंटिंग उन्हीं को जो आपको लगता है कि इट शुड बी देयर इन ही शुड बी देयर इन माई टीम करते हुए, और आपका टीम तो ऑब्वियसली इट विल वोट फॉर यू. अगर ऐसा ही चलता रहा देन व्हाट विल हैपन इज कि आप कल अपना बीवी को, अपना बच्चा को, अपने दोस्त को, अपने भाई को आप अपॉइंट करेगा, देन यू विल से दिस इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड यू विल बिकम द प्रेसिडेंट फॉर लाइफ टाइम. सो दिस इज इलॉजिकल. तो दैट्स वाई इसको देखते हुए ये सारा चीज़ जो उनका जो ये है उसमें लिखा है कि 16 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर्स हैव वोटेड इन फेवर ऑफ मिस्टर हलीवेली एज द न्यू प्रेसिडेंट. But the thing is, whenever there is some selection or election, there should be a resolution. Resolution ye hona hai ki unanimously we have selected this and that. But there is no resolution. There is just a minute of meeting wherein there is only one signature, that is President FFA Halliwelly. He is reporting people that I have been selected. And uske saath mein they have placed this attendance seat. This is only the attendance seat of the meeting. मीटिंग में कितने लोगों ने उसका अगेंस्ट में बात किया होगा. इट ऑलवेज हैपन्स कि मीटिंग में हर कोई आने वाला 100% आपके साथ में नहीं होता है. और जो ये कोई मजाक नहीं है. दिस इज़ द सिलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हु रिप्रेजेंट्स द फिल्म मेकर्स ऑफ द स्टेट. ये मजाक नहीं. तो इसीलिए आप उसमें ऐसा बचकाना काम नहीं कर सकता है. देयर शुड बी प्रॉपर ड्राफ्टिंग, प्रॉपर लीगलिटी शुड बी फॉलोड. उसके हिसाब से यू डोंट हैव ए मैंडेट. 2/3 भी छोड़िए, जीरो मैंडेट, बिकॉज नो बडी साइन फॉर यू अकॉर्डिंग टू द पेपर दैट यू हैव सर्कुलेटेड विद योर सिग्नेचर. दैट इज जीरो मैंडेट, जीरो. अभी उसके बाद अगर हम लोग ये बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, आपने पेपर ढंग से नहीं बनाया है, देयर इज नो प्रॉपर रेजोल्यूशन, तो हम ये मान के चलता है कि जैसा आपका कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि देयर इज ए 2/3 मैंडेट ऑफ द एग्जीक्यूटिव बॉडी टू इन फेवर ऑफ मिस्टर हलीवेली. उसमें आपको मैं ये बता दूं कि देयर आर 19 एग्जीक्यूटिव पोर्टफोलियोज इन फिल्म फेडरेशन ऑफ अरुणाचल, 19, और वो लिस्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा इन दियर लेटर पैड इट्सेल्फ. वो है 19, और वहाँ पे कितने लोगों का सिग्नेचर वहाँ पे है उसमें रेजोल्यूशन में भी नहीं है, लेकिन अटेंडेंस में भी आप देखिए देयर इज नो 2/3 मेजोरिटी. अटेंडेंस में इसका कैलकुलेशन ये है कि आउट ऑफ टोटल 19 देयर वॉज ओनली 11 मेंबर हु वॉज द एग्जीक्यूटिव बॉडी. द रिक्वायर्ड इज 13. There was only 11. Then उन्होंने बोलता है कि there are 16 people who have signed. तो वो 16 कैसे होता है, वो है the joint secretaries of the district. Joint secretaries of the district में we have there are 4 members as the joint secretaries. Now they are saying the whole central executive body में से 16 लोगों ने उन लोगों को साइन दिया है, तो इसमें 2/3 majority आता नहीं है. क्योंकि according to the list there are 35 total executive members. अगर हम main office bearers और district joint secretaries का हम लोग बात करते हैं, there are 35. तो 35 में से अगर आपको 2/3 लेना है, that is 25. और अगर आप ये district joint secretaries को central executive अगर नहीं भी मानते हैं तो भी आपको चाहिए 13. 13 में से आपके पास 11 है, और 11 में उन्होंने और एक इलीगल काम किया, दैट इज दे हैव अडॉप्टेड वन मोर गाय, दैट इज नाम लूँ कि नहीं पता नहीं, दैट इज वन कॉपीराइट सेक्रेटरी उन्होंने अपॉइंट किया आउट ऑफ नोवेयर टू मेक इट 12, बट फिर भी 2/3 में नहीं आया. और जो ये अपॉइंटमेंट हुआ ऑफ ए कॉपीराइट सेक्रेटरी, दिस इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 5. आर्टिकल नंबर 5 में क्या है कि we can have 24 portfolios, उतना ऑफिस होना चाहिए फेडरेशन में. देयर इज नथिंग लाइक कॉपीराइट सेक्रेटरी हियर, दैट इज अकॉर्डिंग टू द बायलॉ. नाउ आई विल कम टू द बायलॉ. बायलॉ में क्या है कि वी हैव बीन आस्किंग
टू द फेडरेशन कि काइंडली हम लोग को बायलो सप्लाई किया जाए बिकॉज वी आर ऑल्सो ए फिल्म मेकर एंड वी आर ऑल्सो द प्राइमरी मेम्बर्स ऑफ द फिल्म फेडरेशन ऑफ अरुणाचल. बट उन लोगों ने बायलोस हाइड करते आया. वी डू हैव ऑल द रिकॉर्ड्स हम लोग कितना उन लोगों को मांगा उन्होंने छुपाया है. इवन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. एक छोटा सा बायलो एक फेडरेशन हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक है. इस द प्राइमरी मेंबर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. आप एक बायलो हम लोग के साथ शेयर नहीं कर सकते. फिर भी हम लोगों ने कहीं कहीं से कुछ कुछ करके अपने सोर्सेस लगा के उन्हीं का ही एग्जीक्यूटिव बॉडी से और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफिस से करते हुए हम लोग के पास बायलो हमारा हाथ में है. और उसके बाद बोला कि दिस इज़ द ओल्ड बायलो जिसका हम लोग रेफरेंस करेंगे ही नहीं. अकॉर्डिंग टू देयर बायलॉ विच दे सेड कि उन लोगों ने अमेंड किया ऑन December 29, 2018 अकॉर्डिंग टू देम उसी का ही ऊपर में हम लोग बात करेंगे. तो टू थर्ड मेजोरिटी को छोड़िए हम लोग इस इलेक्शन को क्यों इलीगल मानते हैं. एक्चुअली देयर वॉज नो कुछ भी चीज़ उन लोगों ने लीगल या फिर अपना एज ए डेमोक्रेटिक सेटअप हम लोग फेडरेशन को देखता है बिकॉज इट शुड रिप्रेजेंट एवरी वन हु आर एक्टिवली वर्किंग इन द इंडस्ट्री. दे आर रिप्रेजेंटिंग अस एंड ऑल ऑफ सडन दिस 16 पीपल दे कैन नॉट चूज आवर लीडर बाई देमसेल्व्स एंड देट टू अपॉइंटेड बाई द आउटगोइंग प्रेसिडेंट. सो दिस इज रॉन्ग. नंबर वन ये बिल्कुल इलॉजिकल है. अगर आपका नया बायलो में आपने डाला है तो भी इलॉजिकल है. वी चैलेंज दैट. तो हम लोग का सिर्फ डिमांड ये था कि पहले से मैंने बोला कि वी आर नॉट हेयर टू टॉपल एनी वन फ्रॉम द पोस्ट नथिंग. हम लोग सिर्फ यहाँ पे ऐसा है कि वी आर ऑल्सो इन द फील्ड वी आर ऑल्सो वर्किंग इन द इंडस्ट्री. वी डू हैव द कंसर्न फॉर आर कम्युनिटी. कल को कुछ अच्छा काम हो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरी वन. तो इसमें वी जस्ट वॉन्टेड पार्टिसिपेशन जिसको पार्टिसिपेशन को हम लोग को डिनाई किया गया क्योंकि देयर आर ऑलमोस्ट 400 प्राइमरी मेम्बर्स. तो हम लोग का ये था कि हम लोग प्रेसिडेंट को बोला कि विदाउट प्रॉपर इलेक्शन आपने अपना एग्जीक्यूटिव को आप लोग ने डिसॉल्व कर दिया है. तो वहाँ पे विदाउट ये क्या बोलते हैं इलेक्शन कमिटी बनाए तो अपने आप हर चीज़ हो रहा है. तो फनी चीज़ क्या है कि पहला जो माइनस उन लोगों ने सर्कुलेट किया था उन्होंने खुद ही बोला कि नया एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाने के लिए वी नीड रिकमेंडेशन फ्रॉम ऑल ऑफ अस. और वो लास्ट डेट दिया था कब 20. लेकिन जब हम लोग ने वॉलेंट्रीली जितने भी जो लाइक माइंडेड पीपल है हमारा कम्युनिटी में दोज हु हैव रजिस्टर्ड देमसेल्व्स एज द प्राइमरी मेंबर इन द FFA हम लोग ने वॉलेंट्रीली आके एक साथ इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हम लोग ने सोचा. एंड चर्चा करने के बाद हम लोग का ये सोच था कि वी विल गो टू द प्रेसिडेंट. एंड जब एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है तो जब प्राइमरी मेंबर लोग मैसिव में आ जाता है तो दैट बिकम्स ए जनरल बॉडी. तो हम लोग सोचा था कि प्रेसिडेंट सर को कि काइंडली इन कंसल्टेशन विद द जनरल बॉडी. जनरल बॉडी इज़ बिगर देन एग्जीक्यूटिव बॉडी इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप. आप हम लोग का कंसल्टेशन में काइंडली एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठा दीजिए देन इलेक्शन प्रोसीजर को सही से जाना है. तो इसमें वायलेशन का मैं आपको क्लियर बताता हूँ. कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई सारा आर्टिकल्स का बात किया. तो दैट वाज स्पेशली दिस वन 12(1) एंड 2 जो उन लोग का नोटिस में भी लिखा है. 12(1) एंड 2 मॉडलिटीज फॉर सेलेक्शन. दिस इज एग्जैक्ट वर्ड्स उन लोग ने. द सेलेक्शन ऑफ द नेम्स फॉर द प्रेसिडेंशियल पोर्टफोलियो विल बी डन बाय द एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव बॉडी. नेम्स मतलब कि फिल्म फेडरेशन ऑफ अरुणाचल में वोटिंग प्रोसीजर बहुत लोग जानता होगा. जैसे एलिट सोसाइटी में जो होता है ऐसा होता है. देयर विल बी ए सर्च कमिटी. नो वन कैन प्रोक्लेम माइसेल्फ दैट आई एम कमिंग एज द कैंडिडेट. नो वन कैन डू दैट. वो नहीं कर सकता है. सो देयर इज अ सर्च कमिटी एंड सर्च कमिटी विल रिकमेंड 8 to 9, 10 मेंबर्स. एक नाम देगा वो लोग. देन इट विल बी वेरीफाइड वेदर दे आर एफिलिएटेड और डू हैव पॉलिटिकल बैकग्राउंड या फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं. उसका वेरिफिकेशन के लिए ही रहता है. लेकिन आगे जो है 12 में दे फॉरगॉट दिस. अगर दे बोला उन्होंने बोला कि देयर टू द
तरीका है प्रेसिडेंट बनने का, फर्स्ट इज इलेक्शन, अनदर इज सिलेक्शन। लेकिन टेन्योर एंड इलेक्शन आर्टिकल 12 में फर्स्ट ही उसमें लिखा है कि बी में इलेक्शन और सिलेक्शन ऑफ न्यू एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द FFA शैल बी कंकरेंटली विद द जनरल बॉडी मीटिंग ऑन कंप्लीशन ऑफ इज 3 years ऑफ टेन्योर। ये सिर्फ जनरल बॉडी मीटिंग में हो सकता है, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी में नहीं हो सकता। देन द प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी अलॉन्ग विद एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर्स विल कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ सीनियर मेंबर्स हु विल कंडक्ट द इलेक्शन एज पर द मोडालिटीज। तो मैंने बोला कि या देर इज, चाहे आप सिलेक्शन करो या इलेक्शन करो, देर शुड बी ए इलेक्ट्रल बॉडी। दैट मीन्स एक टुकड़ा कहीं में प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया है। अगर हम लोग अगर कागज को ध्यान से देखें, इसको बोल सकते हैं कि दिस इज ए सेल्फ क्लेम, सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रेसिडेंट, अगर सीधा सीधी अगर हम लोग बात करें तो। तो उसके बाद क्या हुआ, अभी 12 तारीख के सर्कुलर के बाद में हम लोग बहुत कंसर्न रहने के बाद हम लोग ने लाइक माइंडेड पीपल इन द कम्युनिटी वी हैड ए जूम कॉल, हम लोगों ने वेबिनार किया था करीब 30-40 लोग का। तो उन्होंने उस समय में हम लोग ने एक दूसरे को अपना तकलीफ बताते हुए कैजुअली बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, तो व्हाई डोंट वी सिट इन अ मीटिंग और वहाँ से कंसेंसस बना के वी विल गो टू द प्रेसिडेंट कि उसको समझाएंगे बुझाएंगे, आफ्टर ऑल ही इज़ द प्रेसिडेंट, कि हमारा फ्रेटर्निटी का प्रेसिडेंट है, शायद वो मान जाएगा। तो हम लोग ने एक आज का डेट में एक मीटिंग फिक्स किया। तो क्या हुआ कि उस टाइम तक देयर वाज ओनली वन पर्सन इन द FFA, दैट वाज द केयर टेकर प्रेसिडेंट। एंड जैसे ही ये हम लोग मीटिंग बैठ रहा है बोल के उन लोगों को खबर मिला, रातों रात उन्होंने नया एग्जीक्यूटिव बॉडी फॉर्म करके प्रेस में आ गया। तो बेसिकली आवर मीटिंग वाज टू बिल्ड अ कंसेंसस एंड टॉक टू द प्रेसिडेंट। और उसके लिए इन लोगों ने क्या किया है कि उन लोग जो नया एग्जीक्यूटिव बॉडी जो बनाए हैं, व्हाट दे हैव डन इज, इसको देख के कभी कभी हंसी भी आता है कि आई डोंट नो कौन सा दुनिया में रह रहा है ये लोग। इन लोगों ने फाइल्ड एन FIR अगेंस्ट अस टू द OC पुलिस स्टेशन ईटानगर एंड नाहरलगन। तो ये सोचिए, वी वेयर जस्ट आस्किंग फॉर पार्टिसिपेशन, हम लोग चाहा कि जितना ज़्यादा लोग जुड़ेगा अपना फेडरेशन में उतना ही हम लोग के लिए बेटर है, एक अच्छा डेमोक्रेटिक सेटअप में। लेकिन हम लोग लाइक माइंडेड पीपल लोग बैठ के आप ढंग से हम लोग एक दूसरे को बात करना, हाउ इट कैन बी इलीगल। उन लोगों ने लिखा है कि सम अनऑथोराइज ग्रुप डिसगाइजिंग एज FFA मेंबर्स, डिसगाइजिंग एज FFA मेंबर्स आर प्लानिंग टू होल्ड ए मास मीटिंग, ठीक है, विदाउट द नॉलेज एंड प्रॉपर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड अदर एग्जीक्यूटिव बॉडीज। उसमें क्या है कि विदाउट द नॉलेज, विदाउट द नॉलेज के लिए आई वो मीटिंग से पहले आई सेंट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट हली वैली विच इज़ अवेलेबल विद एवरीवन कि वी आर गोइंग टू डू दैट ना। इसमें वी रिक्वेस्टेड कि द प्राइमरी मेंबर्स आर वॉलेंट्रीली गैदरिंग, ओके, नो वन हैज़ कन्विंड, प्राइमरी मेंबर्स आर वॉलेंट्रीली गैदरिंग ऑन 17 August। Constitutionally, the gathering is the first general body meeting, irrespective of who convened it. Nah. Since the executive body is dissolved, it will be nice if you could attend and appoint a chief election commissioner in consultation with the general body. Unko hum log ne inform kiya hai. Hum log ne ye bola ki otherwise the blunder made by the executive body now dissolved will set a very wrong precedent. Wrong precedent mein kyun bol raha hu? Film Federation of Arunachal was founded by our late Taro Chatung sir. We have a legacy. तो हम लोग को क्या है कि अपना जो फिल्म फ्रेटर्निटी को एक डेमोक्रेटिक सेटअप में आगे लेके जाना है, जिसको अभी देखते हुए आई कैन सिंपली कंक्लूड कि आवर आर्टिस्टिक प्लेटफॉर्म हैज़ बीन हाईजैक बाय सम रिच गवर्नमेंट ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड ए पॉलिटिकल बिग शॉट। तो दिस इज़ द थिंग। और ये मीटिंग आज हम लोग 3 PM को हम लोग चांदनी होटल में बैठने वाला था, हम लोग बैठेंगे डिस्पाइट द FIR दे फाइल्ड। आई डोंट नो इन इंडिया आई नो कि हम लोग वी हैव द फंडामेंटल राइट टू असेंबल पीसफुली अंडर आर्टिकल 19,
हम लोग का पास अपना राइट से बैठने का अंतिल एंड अनलेस हम लोग यहाँ पे कोई हुड़दंग नहीं मचाता है या फिर कोई इलीगल चीज़ नहीं करता है, वी डू हैव द राइट टू असेंबल एंड टॉक अबाउट आर फ्यूचर एंड शेयर मूवमेंट्स विद आर कम्युनिटी। तो फाइनली मैं ये बोलूँगा कि हम लोग मीटिंग बैठने वाले हैं एंड आई जस्ट होप कि द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पुलिस उन लोग हमारे ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेगा, ये हम लोगों को पता है, क्योंकि वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग इलीगल एंड इफ देयर अगर कुछ इन्फ्लुएंस हो जाता है, हम लोग ने इसलिए काउंटर एफ आई आर भी फाइल नहीं किया है एंड इफ दे वांट टू टेक एक्शन दे मे टेक एक्शन बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग इलीगल। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दिस इज़ मेंट ओनली फॉर माई फेलो फिल्म मेकर्स हु डोंट नो कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और क्या हो रहा है। हम लोग बस इतना चाहते हैं कि वी शुड बी गिवन द राइट टू पार्टिसिपेट। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि आई वांट दिस पर्टिकुलर गाय एज द प्रेसिडेंट, नो वी आर नॉट डूइंग दैट। हम लोग कोई फैक्शनबाजी हम लोग करेंगे नहीं और मीटिंग में हम लोग बस वही करने वाले हैं कि हम लोग जिन जिन को हम लोग को डिप्राइव किया गया है बट वी डू फील कि हम लोगों को अपना कम्युनिटी से प्यार है, एक दूसरा को हम लोग रोज़ मिलते हैं, साथ में काम करते हैं, डिस्पाइट ऑल दिस हाइजेक्शन हम लोग अब कैसे आगे बढ़ेगा उसी के ऊपर में हम लोग डिस्कस करेगा। नाउ द मीटिंग का जो मेन एजेंडा हैज़ बीन चेंज, नाउ इट्स लाइक व्हाट वी विल डू, हाउ वी विल सर्वाइव। अदरवाइज फर्स्ट इट वाज लाइक कि हम लोग बिल्ड ए कंसेंसस एंड वी विल टॉक टू द प्रेसिडेंट, इट वाज वेरी वेरी सिंपल। बट द थिंग इज जो भी कुछ अभी हो रहा है, वी आर बीइंग अभी भी अल्टीमेटम फोन में आ रहा है कि लीगल नोटिस दे, ये लीगल एक्शन होगा, लाइक कि दिस इज़ एन इलीगल असेंबली इन द नेम ऑफ FFA. FFA इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी विद अ ब्रांडिंग, कॉपीराइट आपका सिर्फ नहीं है, दिस इज़ नॉट योर फैमिली ट्रस्ट, दिस इज़ नॉट योर कंपनी, दिस इज़ नॉट योर ब्रांड, दिस इज़ ए वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन फॉर फिल्म मेकर्स। और हम लोग ने कोई यहाँ पे रूल पास होने वाला नहीं है, हम लोग बस अपने ग्रीवेंसेस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए नंबर वन थिंग स्पेशली आप लोग क्या करने वाले जो क्वेश्चन है, दिस इज़ नॉट ए वैलिड क्वेश्चन बिकॉज वी हम लोग कोई पार्टी है नहीं। नंबर वन नॉर्मली क्या होता है अरुणाचल में कि तुम लोग ये पार्टी, तुम लोग ये पार्टी, नो हम लोग अभी पार्टी हुआ ही नहीं, अभी बस आके डिसाइड करेगा कि जो जो कंसर्न है, तो वी हम लोग क्या करने वाले ये नहीं। और हम लोग का मेनली बात ये है कि ये हाईजैक हो चुका है, हाईजैक हो चुका है एंड आई कैन सिंपली से दैट द फिल्म फेडरेशन ऑफ अरुणाचल राइट नाउ हम फिल्म मेकर्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि उन लोगों का अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट का से उन्होंने खुद बोला है कि दे रिप्रेजेंट ओनली 9 प्रोडक्शन हाउसेस इन अरुणाचल। और उसमें मैं आपको एट और उसमें मैं आपको और एक चीज़ ऐड करता हूँ, उसमें हम लोग नहीं है, मैं कहूँ कौन हूँ बताने ज़रूरत नहीं है, पब्लिक को पता है, दिस इज़ नावम कतहुंग NK वर्क्स, ही इज़ इन द इंडस्ट्री फॉर सो मेनी ईयर्स, ये रिजेक्टेड लिस्ट में अकॉर्डिंग टू देम बिंदिया थे मैम 2005-06 से उन लोग काम कर रहा है, पेपर सही होगा ना तब ना जाके तो काम कर पा रहा होगा, दे आर टेकिंग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, अगर जब तक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स कर रहा है तो एब्सोल्युटली उसके पास तो हर पेपर्स तो होगा ना, तो बिल कैसे मिलेगा, तो इस फील्ड में कैसे सर्वाइव करेगा। सो देयर इज मतलब कम्प्लीटली पॉलिटिक्स है, कम्प्लीटली पॉलिटिक्स है, वी डोंट बिलीव इन पॉलिटिक्स, वी बिलीव इन वर्किंग अपना पैशन के साथ फॉलो करना है, बट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड ए कम्युनिटी वेयर वी कैन शेयर आर प्रॉब्लम। और मेरा इसके बाद और एक क्वेश्चन ये भी है कि जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है उनसे डायरेक्ट सवाल है कि आपके पास कोई प्रोडक्शन हाउस है आपके नाम पे, फर्म प्रोडक्शन फर्म द प्रेजेंट प्रेसिडेंट, आप इस लाइन पे कैसे है एक्सप्लेनर्स। मैं उसके ऊपर में कोई उंगली नहीं उठाऊंगा बट इट विल बी नाइस इफ ही एक्सप्लेन इट्स बाई हिमसेल्फ, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं किसी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाना चाहता हूँ। मैं बस यही बोल रहा कि आपके नाम पे कोई प्रोडक्शन फर्म रजिस्टर्ड है क्या।
ये सवाल सिर्फ पूछना है, और वो है कि और आपने, वो मैं नहीं बोलूँगा कि क्या किया नहीं किया, ये मैं नहीं बोलूँगा। ओके 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 सी द थिंग इज, जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप, आइदर वो हमारा MLA या लेजिस्लेटिव असेंबली में हो या कहीं पे भी हो, द बेस्ट थिंग व्हाट वी कैन डू इज चेंज द लीडरशिप। एंड व्हेन सबको प्रॉपर मौका मिलना चाहिए रिजल्ट, वो लीडरशिप चेंज करने के लिए, आपको जब आपको पार्टिसिपेट करने का ही हक नहीं मिल रहा है, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। और हम ये नहीं बोल रहे आप गलत काम कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि आपने ऐसा कुछ किया वैसा कुछ किया, वी आर नॉट एलिजिंग एनीथिंग, हम बस वो ये बोल रहा है कि द होल प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग और इलेक्टिंग यू एस ए प्रेसिडेंट, ये गलत है, सीधा गलत है, क्योंकि आप खुद ही अपना एग्जीक्यूटिव मेंबर को अपॉइंट करेगा, एंड दैट एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑल्सो इंक्लूड्स हिज वाइफ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया में एक ही ब्लड रिलेशन या बीवी बच्चा भाई बहन, दे कैन नॉट बी टुगेदर इन वन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ बीन रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ये नहीं हो सकता है। अगर हम उसमें भी बोले तो ये कोरम और कम हो जाएगा, 2/3 वाला, उस पर हम लोग पॉइंट नहीं करना चाहते। नो, इट्स 3 years, 3 years, 3 years, वो ओवर होके ऑलमोस्ट एक साल होने वाला है, तो उसमें नियम ये होता है कि आफ्टर 3 years कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर, द फर्स्ट थिंग द एग्जीक्यूटिव आउटगोइंग एग्जीक्यूटिव बॉडी व्हाट दे हैव टू डू इज, उन लोग का काम ये होता है कि उन लोग को एक इलेक्टोरल बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन करना होता है, और उसके बाद जनरल बॉडी बुलाना होता है जहाँ पे इलेक्शन हो या सिलेक्शन दोनों को करना होता है अंडर द सुपरविजन ऑफ द इलेक्टोरल बॉडी, नॉट द प्रेसिडेंट, नॉट द एग्जीक्यूटिव बॉडी, अंडर द सुपरविजन ऑफ दैट इलेक्टोरल बॉडी, ताकि वहाँ पे कोई फॉल प्ले ना हो। लेकिन यहाँ पे खुद ही प्रिसाइड करेगा, खुद ही इलेक्ट करेगा, खुद ही सर्टिफाई करेगा, एंड नो वन हैज साइन फॉर हिम, सिर्फ सर्व किया गया है कि दिस इज द अटेंडेंस ऑफ दैट मीटिंग।